घोसी उपचुनाव में दोनों खेमों की तरफ से योद्धाओं का ऐलान हो चुका है। बुधवार को घोसी में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के बाद बीजेपी नेताओं ने घोसी उपचुनाव में जीत का दावा किया, तो दूसरी तरफ सपा ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को घोसी से चुनावी मैदान में उतारा है। घोसी सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। दारा सिंह चौहान के नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन में मौजूद रहे। बीजेपी के साथ सहयोगी दलों के नेता भी दारा सिंह के नामांकन में शामिल हुए। सभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन से पहले बीजेपी ने दारा सिंह के समर्थन में जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन किया। जनसभा में बीजेपी के दिग्गजों ने जीत का दावा किया। ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे जी। और यहाँ के जो गणित है जी, चुनावी गणित है जी, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। घोसी के चुनावी घमासान में एक तरफ दारा सिंह है तो दूसरी तरफ सपा ने घोसी के ही पूर्व विधायक सुधाकर सिंह पर दांव खेला है। सुधाकर सिंह के प्रत्याशी चुने जाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी अधिकारियों को बैठा रही है, पैसे का इंतजाम कर रही है, लोगों को डराने का इंतजाम कर रही है, लोगों पर कैसे दबाव बना करके वोट लिया जाए। लेकिन हमें घोसी की जनता पर पूरा भरोसा है कि घोसी का संदेश उत्तर प्रदेश नहीं देश में जाने जा रहा है। बहरहाल बीते चुनाव में सपा ने ही इस सीट पर बाजी मारी थी, लेकिन खास बात यह है कि पिछले चुनाव में जो दारा सिंह सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस उपचुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में ये चुनाव दोनों दलों के साथ साथ दारा सिंह के लिए भी नाक का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।